Hello, children, how are you? Hope you all are fine. I am Savita Das, teacher, Government Middle School, Kachna. Today, we will study lesson 32 uh, the animal word. In this lesson, students, you will learn the use of these and that. So, let's start. बच्चों आज हम द एनिमल वर्ल्ड पढ़ेंगे या सीखेंगे देखेंगे इसमें अलग अलग जानवर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम है कीर्ति और यहाँ पर इस जंगल में एक गार्ड हैं अंकल वो उसे जानवरों को दिखा रहे हैं तो गार्ड अंकल बोलते हैं कम से को बुला रहे हैं कि आओ देखो अ रैबिट कृति यह एक खरगोश है लुक एन एलिफेंट कृति देखो वहां एक हाथी है दिस इज मंकी यह बंदर है लुक दैट इज वह वहां देखो वह एक शेर है This is इज अयर यह एक भालू है बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जानवरों के लिए हमने दिस का प्रयोग किया कुछ जानवरों के लिए दैट का प्रयोग किया तो बच्चों जो जानवर हमें पास में दिखे उसके लिए हमने दिस का प्रयोग किया और जो जानवर दूर में है उसके लिए दैट का प्रयोग किया तो हम फिर से एक बार देखते हैं दिस इज मंकी यह एक बंदर है दिस इज अबिट यह एक खरगोश है अब देखो बच्चों, ये जानवर दूर दूर हैं। तो हम इसे कैसे देखेंगे दैट इज अयर वह एक भालू है दैट इज लायन वह एक शेर है दैट इज एन एलिफेंट वह एक हाथी है बच्चों, हमने जो चित्र देखा था उस चित्र में भालू शेर एलिफेंट हमको दूर दूर में दिखे थे और खरगोश और मंकी पास में दिखे थे इसीलिए हम खरगोश और मंकी के लिए हमने दिस का प्रयोग किया और भालू लायन एलिफेंट इसके लिए हमने दैट का प्रयोग किया तो बच्चों जो चीज़ें पास में होती हैं उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं और जो चीज जो वस्तुएं दूर में होती हैं उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं तो बच्चों अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस आर दैट बच्चों ये चित्र को देखिए और दो चित्र आपके लिए एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं आप इन्हें देखिए फिर दूसरे चित्र को देखकर आप दिस और दैट का प्रयोग करके वाक्यों को बनाइए पहला देखिए एक बच्ची है एक बैट पकड़ी हुई है ठीक है वो बोल रही है दिस इज बैट ये एक बैट है बल्ला है और क्योंकि वो बल्ला उसके पास में है इसीलिए वो दिस का प्रयोग कर रही है ठीक है नेक्स्ट है दैट इज अओ गाय दूर में है इसीलिए वो बच्चा दैट इज अ काउ बोल रहा है क्योंकि वो दूर में है वह एक गाय है बच्चों चित्र देखो यहाँ पर एक हाथी दिखाई दे रहा है ठीक है और अगले चित्र में हमको एक मुर्गी दिखाई दे रही है हाथी हमें दूर दिखाई दे रहा है और मुर्गी हमें पास में दिखाई दे रही है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे दिस प्रयोग करेंगे या दैट प्रयोग करेंगे और, और अगले चित्र में देखिए एक में एक बच्ची केला पकड़ी हुई है केला उसके हाथ में है पास में है ठीक है और दूसरे चित्र में हम एक घोड़ा देख रहे हैं जो दूर में दिखाई दे रहा है ठीक है तो आइए अब हम इस वाक्यों को बनाते हैं ठीक है अब देखिए हाथी जो है दूर में दिखाई दे दूर में है इसीलिए हम इसको बोलेंगे That is an elephant. हम यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि कोई वस्तु जब दूर रहता है तो हम उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं और यहां पर देखो मुर्गी पास में है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज हैन यह एक मुर्गी है ठीक है अगला हम देखते हैं बनाना बनाना यानी केला केला हमारे पास है बच्ची के हाथ में है तो वह बच्ची बोल रही है दिस इज अ बनाना यह एक केला है लेकिन देखो दूसरे चित्र में घोड़ा जो है दूर में दिखाई दे रहा है इसके लिए हम क्या बोलेंगे दैट इज हॉर्स घोड़ा जो है दूर है ठीक है बच्चों हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग यहाँ पर देखो कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं और इधर अंग्रेजी में उनके नाम दिए हुए हैं ठीक है तो हमको इसको मिलान करना है तो सबसे पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है भालू है ना तो देखो भालू को अंग्रेजी में बोलते हैं बियर अब हम उसको बियर से क्या करेंगे मिलान करेंगे सेकंड चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हाथी ठीक है तो हाथी को हम क्या करेंगे एलिफेंट इंग्लिश में हम हाथी को एलिफेंट बोलते हैं तो हम उसको एलिफेंट के साथ मिलान करेंगे अगले चित्र में एक शेर दिखाई दे रहा है और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लॉयन हम लॉयन के साथ मैच करेंगे और देखो चौथे चित्र में मंकी है और उसके सामने ही मंकी लिखा हुआ है तो हम मंकी का मिलान करेंगे ठीक है बच्चों हमारा अगला कार्य गृह कार्य है इस गृह कार्य में क्या करेंगे आप लोग ड्रॉ एन एल, एनिमल विच यू लाइक मोस्ट इन यूवर इंग्लिश नोटबुक बच्चों आपके आ, कोई भी जानवर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसको अपने अंग्रेजी की नोटबुक में या कॉपी में ड्रॉ करना है बनाना है और उसको कलर करना है ठीक है और अगला हमारा काम है राइट फाइव एनिमल्स नेम इन यूर इंग्लिश नोटबुक और किसी पांच जानवरों के नाम अपने अंग्रेजी नोटबुक में लिखना है ठीक है बच्चों थैंक यू